हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी दोस्तों। सो फाइनली गाइस, आज है ट्यूसडे और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और अभी हम जाएंगे नहाने और अपने फेस वॉश के साथ और कपड़े के साथ मैं उठ चुकी हूँ तैयार। डेली मॉर्निंग का ब्रश और ब्रश ही कर लेते हैं, नहीं तो just come then guys brush we must never stop the way yeah उसके बाद मैं चली गई किचन में। किचन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वन मंथ के लिए लाइब्रेरी को संज्ञा हो गया है ना। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि हिंदी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। देन उसके बाद सर्वनाम की डेफिनेशन, उसके भेद, उसके प्रकार, ठीक है, उसके उदाहरण वगैरह। देन हमारा क्रिया आ जाता है, क्रिया क्या है ना। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक सकर्मक। देन उसके बाद विशेषण आ जाता है, विशेषण के बाद क्रिया विशेषण आ जाता है। विशेषण और क्रिया विशेषण में भी एक क्रिया विशेषण होता है और क्रिया होती है और विशेष्य होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। देन उसके बाद गाइज हमारा बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जैसे पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। ये भी ऐसे नहीं कि इजी से होते हैं, ये भी ऐसे होते हैं कि हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं, बट चीज़ें वही होती हैं जो हमने 6 से 8 तक या 10 तक सीखी होती है। कारक हो गया, समास हो गए हमारे, है ना, व्यंजन हो गए, है ना, वर्ण हो गए, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। बहुत सारा है जो कि हमारे हिंदी में आता है और यही सारे टॉपिक हमें कवर करने थे इसमें। विलोम शब्द हो गए हमारे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इसमें आज कवर करूँगी पूरी। गाइस हमारा जो मैं अभी अपना सेशन अटेंड कर रही थी वो पूरे 1 घंटे और 12 मिनट का था, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर करवाई थी और साथ के साथ मैं इन चीज़ों को नोट भी करके जा रही थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को काफ़ी अच्छे से नोट करती रही थी। और मैं ना ये सारे टॉपिक्स को ना पूरा एक साथ ही रिवाइज एंड कवर अप कर रही हूँ इस वाली वीडियो में,
जिसमें हमारे संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, समास, संधि, पर्यायवाची, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रचनाएं हैं। और इसमें गाइज ये भी आ सकते हैं, और जो है ना महान व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा उनकी रचनाएं होती हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा हो गई हैं, जय शंकर प्रसाद हो गए, ऐसे करके बहुत सारी जो ये इम्पोर्टेंट हैं और इनके द्वारा लिखी गई इनकी जो रचनाएं हैं या फिर बुक्स हैं, है ना, जो इन्होंने लिखी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आ जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, इन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड होते हैं ना, इनको कौन सा अवार्ड मिला, कब मिला, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें नोट करी थी, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गाइज यही पूछा जाता है। और अभी फैब चल रही है, तो फैब में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म आउट हो चुके थे, जो कि मैंने पहले ही भर रखे थे, देन उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गए थे, तो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कर रही थी। अब गाइस स्टार्टिंग में तो मैंने प्रिपरेशन कुछ की नहीं, मैंने सोचा एंड के डेज में प्रिपरेशन कर लेते हैं जितनी मेरे से हो पाती है, तो मैं वही हिंदी कर रही थी, बिकॉज हिंदी इसमें 38 मार्क्स के, 38 मार्क्स को डबल कर दो 76 हो गया, तो मतलब मैंने सोचा पहले हिंदी को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वैसे भी हिंदी हमारी स्ट्रॉन्ग है। देन यही सारे टॉपिक्स थे हिंदी में जो कवर अप करने हैं, और बहुत ही इजी से टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप एक दो दिन या फिर अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक वीक देना है हिंदी की इस प्रिपरेशन में, नहीं तो अभी आप एंड में कर रहे हो तो दो एक दिन पूरा दे दोगे ना, काफ़ी 5-6 घंटे दे दोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से आप हिंदी भी कवर इसमें कर ही लोगे। सो फाइनली गाइस मेरा तो आज यहाँ पे हिंदी ही चल रहा था, और आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो फाइनली गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ओके गाइज, बाय बाय, सी या, लव यू।